चक्रवाती तूफान मिचौम ने मचाई तबाही, सरकार ने जारी किया रेड अलर्ट, दक्षिणी राज्य विशेष रूप से प्रभावित। माउंट मरापी में हुआ ज्वालामुखी विस्फोट, 3000 किलोमीटर तक फैला लावा, कई लोगों की गई जान। अंतरिक्ष में हुई 6 नए ग्रहों की खोज, आकार में पृथ्वी से बड़े हैं ये ग्रह, सब नेपच्यून्स दिया गया नाम। दुबई में भारत ने लॉन्च किया ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, आधिकारिक पोर्टल की भी हुई शुरुआत, जल संरक्षण और वनीकरण को मिली प्राथमिकता। और COP28 में स्वास्थ्य पर जारी हुआ घोषणा पत्र, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य के बीच संबंध बनाना मकसद, लेकिन भारत ने खारिज किया प्रस्ताव। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुए चक्रवाती तूफान मिचौम ने भारत में दस्तक दी है। इसने दक्षिण भारत के पूर्वी तट को प्रमुख रूप से प्रभावित किया है। इससे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं। चक्रवात की विभीषिका को देखते हुए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पुदुचेरी प्रशासन ने समुद्री तट के करीब तटीय इलाकों पर IPC की धारा 144 लगा दी है। गौरतलब है कि चक्रवात मिचौम का नामकरण म्यांमार द्वारा किया गया है। चक्रवातों का नामकरण विश्व मौसम विज्ञान संगठन के तत्वावधान में किया जाता है। इस प्रक्रिया में क्षेत्र के कई देश शामिल होते हैं। हिंद महासागर क्षेत्र के लिए चक्रवातों के नामकरण के एक फार्मूले पर 2004 में सहमति हुई थी। क्षेत्र के 8 देशों यानी बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड को इसमें शामिल किया गया है। सभी देश नामों का एक सेट प्रदान करते हैं और इन देशों द्वारा बताए गए नामों द्वारा ही क्रमानुसार आने वाले चक्रवातों का नामकरण किया जाता है। आपको बता दें कि कम वायुमंडलीय दाब के चारों ओर गर्म हवाओं की तेज आंधी को चक्रवात कहा जाता है। दोनों गोलार्धों में चक्रवाती तूफान की दिशा में अंतर होता है। उत्तरी गोलार्ध में ये चक्रवात घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में चलते हैं। हाल ही में ज्वालामुखी मरापी में विस्फोट हुआ। इस विस्फोट की वजह से उत्पन्न हुआ मलबा आसपास के गांवों में फैल गया। ये विस्फोट इतना अधिक तीव्र था कि इसकी राख 3000 मीटर की दूरी तक आसपास के क्षेत्रों में फैल गई। विस्फोट के परिणाम स्वरूप कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई। गौरतलब है कि ये ज्वालामुखी विस्फोट इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर स्थित माउंट मरापी में हुआ है। ये ज्वालामुखी पर्वत 2891 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आपको बता दें कि इंडोनेशिया द्वीप समूह रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के पास स्थित एक ऐसा क्षेत्र है जहां अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी और भूकंप रिकॉर्ड किए जाते हैं। पृथ्वी के 75% ज्वालामुखी यानी 450 से ज्यादा ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर के किनारे स्थित हैं। चूंकि रिंग ऑफ फायर में महाद्वीपीय प्लेट्स टकराती हैं, इसलिए इस क्षेत्र में उच्च ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधियां होती हैं। आपको बता दें कि ज्वालामुखियों को 3 प्रकार यानी सक्रिय, सुप्त और शांत ज्वालामुखी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सक्रिय ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जहां पर अक्सर उद्गार होता रहता है। सुप्त ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें लंबे समय से विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में उनमें विस्फोट होने की संभावना होती है। इसके अतिरिक्त शांत ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें बहुत लंबे समय से कोई विस्फोट नहीं हुआ हो और भविष्य में भी उनमें किसी प्रकार का विस्फोट होने की संभावना नहीं हो। हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है। सत्र के पहले दिन ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पेश किया। ये बिल केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करने के लिए लाया गया है। प्रस्तावित विधेयक में विभिन्न राज्यों में शिक्षण और अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना और समावेशन की बात कही गई है। बिल पेश करने के साथ ही तेलंगाना में सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। शिक्षा मंत्री के मुताबिक प्रस्तावित संस्थान के माध्यम से आदिवासी समुदाय की उच्च शिक्षा तक पहुंच को आसान बनाया जाएगा। ये भारत की जनजातीय आबादी को जनजातीय कला, संस्कृति, रीति रिवाजों में निर्देशात्मक और अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करके ज्ञान को बढ़ावा देगा। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत तेलंगाना में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना अनिवार्य है। दरअसल आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की संख्या 6 की 13वीं अनुसूची के अनुसार तेलंगाना राज्य में जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। गौरतलब है कि साल 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। बताते चले कि साल 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों में शिक्षण और अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना करना था। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है। इसमें सरकार लद्दाख के संवैधानिक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के उपायों की जांच करने के लिए सहमत हुई है।
दरअसल लद्दाख में कई सिविल सोसाइटी संगठन और राजनीतिक नेता संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं। इन मांगों के तहत लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करना तथा भूमि और संस्कृति की रक्षा के लिए आदिवासी दर्जा देना शामिल है। गौरतलब है कि इसी साल जनवरी में गृह मंत्रालय द्वारा लद्दाख के लोगों के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया था, जिसे सिविल सोसाइटी संगठन के नेताओं ने अस्वीकार कर दिया था। गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में उच्चाधिकार प्राप्त समिति के पुनर्गठन के लिए मुख्य विवरण का उल्लेख किया गया है। इसमें गृह राज्य मंत्रालय की अध्यक्षता वाली 22 सदस्य समिति में कारगिल और लेह दोनों डिवीजनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये समिति क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और रणनीतिक महत्व के लिहाज से संस्कृति और भाषा की रक्षा तथा रोजगार और समावेशी विकास के उपायों पर चर्चा करेगी। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 244 के अंतर्गत छठी अनुसूची स्वायत्त विकास परिषदों के निर्माण के माध्यम से आदिवासी आबादी की रक्षा करती है। ये परिषद भूमि, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कृषि पर कानून बना सकती है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। गौरतलब है कि साल 2011 की जनगणना के मुताबिक लद्दाख की कुल आबादी करीब 2.74 लाख है। इनमें से तकरीबन 80% आबादी आदिवासी है। हाल ही में आकाशगंगा में तारे की परिक्रमा करने वाले 6 ग्रहों की पहचान की गई है। इन्हें सब नेपच्यून्स नाम दिया गया है। इन ग्रहों को उप नेपच्यून इसलिए कहा गया क्योंकि ये हमारे सौरमंडल में मौजूद नेपच्यून के छोटे संस्करण हैं, जो एक चक्रीय लय में घूम रहे हैं। इसके अलावा इस समूह के तारे का नाम HD 110067 रखा गया है। गौरतलब है कि इसका पहला संकेत नासा के TESS टेस्ट यानी ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्विस सैटेलाइट से मिला था। शोध के अनुसार ये 6 ग्रह एक लयबद्ध ताल में अपने केंद्रीय तारे की परिक्रमा करते हैं। शुरुआती अध्ययन के मुताबिक इन ग्रहों का निर्माण लगभग 4 अरब साल पहले हुआ। आपको बता दें कि खोजे गए उप नेपच्यून का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 1.9 से 2.9 गुना ज्यादा है। इसके साथ ही इन सभी ग्रहों के पास विशाल वातावरण है, लेकिन अब तक इन ग्रहों की संरचना को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस तथ्य की पुष्टि की है कि पृथ्वी की तरह ये ग्रह नहीं है। ग्रहों का समूह और उनका तारा पृथ्वी से करीब 100 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। सबसे भीतरी ग्रह को इस तारे की परिक्रमा करने में लगभग 9 दिन का समय लगता है, वहीं सबसे बाहरी ग्रह को लगभग 54 दिन का समय लगता है। आपको बता दें कि ये तारा सूर्य की तुलना में छोटा और कम चमकीला है, इसलिए इन ग्रहों पर विकिरण का अधिक असर नहीं पड़ता है। हाल ही में इसरो ने घोषणा की है कि वो एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए तैयार है। इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV यानी ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसरो की माने तो इसका उद्देश्य तीव्र एक्सरे स्रोतों के ध्रुवीकरण की जांच करना है। ये भारत का पहला समर्पित पोलरीमेट्री मिशन है, जो विषम परिस्थितियों में चमकीले खगोलीय एक्सरे स्रोतों के विभिन्न गतिशील पिंडों का अध्ययन करेगा। ये शोध पारंपरिक समय और आवृत्ति डोमेन अध्ययन के पूरक के रूप में एक्सरे खगोल विज्ञान के लिए एक नया आयाम पेश करेगा। इसरो के मुताबिक भारत में अंतरिक्ष आधारित एक्सरे खगोल विज्ञान स्थापित किया जा चुका है। ये मुख्य रूप से इमेजिंग, टाइम डोमेन अध्ययन और स्पेक्ट्रोस्कोपी पर केंद्रित है। एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक वैल्यू एडिशन मिशन है। आपको बता दें कि इस मिशन के अंतर्गत पृथ्वी की निचली कक्षा में 2 वैज्ञानिक पेलोड भेजे जाएंगे। इसमें पहला पेलोड पोलिक्स यानी एक्सरे में पोलरीमीटर उपकरण है। इसे विशेष रूप से ध्रुवीकरण की डिग्री और कोण को मापने के लिए डिजाइन किया गया है। इस पेलोड का विकास UR राव सैटेलाइट सेंटर और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर के सहयोग से किया जा रहा है। वहीं दूसरा पेलोड XSPECT यानी एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी और टाइमिंग है। ये पेलोड 0.8 से 15 kV की ऊर्जा रेंज में स्पेक्ट्रोस्कोपिक जानकारी देगा। गौरतलब है कि एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट पृथ्वी की निचली कक्षा यानी कि 650 किलोमीटर ऊंचाई की गैर सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में करीब 6 डिग्री के झुकाव से अवलोकन करने में सक्षम होगा। इस मिशन का जीवन करीब 5 साल होगा। ये विभिन्न खगोलीय स्रोतों से संबंधित चुनौती को समझने में सहायता करेगा, जिसमें ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे, सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक, पल्सर, पवन, निहारिका आदि शामिल हैं। हाल ही में एक नया अत्यधिक फ्लोरेसेंट पदार्थ विकसित किया गया है। इसे एक फॉस्फोरिन, सिस्टीन और गोल्ड का उपयोग करके बनाया गया है। इसका उपयोग शरीर में कैंसर रोधी दवा MTX की मौजूदगी का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। गौरतलब है कि MTX यानी मेथोट्रेक्सेट की अधिक मात्रा फेफड़ों, पेट और हृदय पर विषाक्त प्रभाव डालती है। यही वजह है कि इस मुद्दे को हल करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उच्च अध्ययन के वैज्ञानिकों ने अत्यधिक फ्लोरेसेंट सामग्री का विकास किया है। मेथोट्रेक्सेट का पता लगाने के लिए ये गैर एंजाइमी अप्रोच चिकित्सीय विश्लेषण द्वारा कोशिका आविष्टता यानी साइटोटॉक्सिसिटी की जांच में सहायता कर सकता है।
एमटीएक्स व्यापक रूप से कैंसर के इलाज में प्रयोग की जाती है। आपको बता दें कि रक्त प्लाज्मा में 10 मिली माइक्रोन से अधिक का एमटीएक्स मान खतरनाक होता है। यदि ये शरीर में 10 घंटे से अधिक समय तक रह जाती है तो फेफड़ों पर इसके विषाक्त प्रभाव से स्टमक अल्सर और हार्ट स्ट्रोक जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पारंपरिक विधियों द्वारा इस दवा की ओवरडोज का पता लगाने में समय लगता है और इसमें जटिल उपकरण शामिल होते हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए इसके शीघ्र और संवेदनशील पहचान के तरीकों के विकास की आवश्यकता है। इन दिनों एमपॉक्स नामक रोग चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इसी बीच WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एमपॉक्स के यौन संचरण की पुष्टि की है। WHO ने जानकारी दी है कि मार्च 2023 में एमपॉक्स क्लैड 1 नामक रोग के यौन संचरण का पहला मामला दर्ज किया गया। दुनिया में इस बीमारी के यौन संचरण के पहले मामले की पुष्टि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में हुई। आपको बता दें कि एमपॉक्स एक संक्रामक रोग है। ये मंकीपॉक्स वायरस यानी MPXV के कारण होता है। साल 1970 में सबसे पहले इस वायरस की पहचान की गई थी। ये पश्चिम, मध्य और पूर्वी अफ्रीका के घने जंगली क्षेत्रों में एक स्थानिक वायरस है। एमपॉक्स वायरस के दो प्रकार यानी क्लैड 1 और क्लैड 2 होते हैं। MPXV क्लैड 1 को पहले कांगो बेसिन, क्लैड 2 को पश्चिम अफ्रीकी क्लैड के नाम से जाना जाता था। इसमें से क्लैड 2 के दो उपवर्ग हैं जिन्हें क्लैड 2A और क्लैड 2B नाम दिया गया है। वहीं इस बीमारी के लक्षणों की बात करें तो एमपॉक्स से पीड़ित लोगों को अक्सर दाने हो जाते हैं। ये दाने शरीर के अलग अलग हिस्सों जैसे हाथ, पैर, छाती, चेहरे के पास होते हैं। साथ ही रोगी में बुखार, ठंड लगना, मांसपेशियों में दर्द जैसे लक्षण शामिल हैं। हाल ही में दुबई में चल रहे COP28 की बैठक में भारत ने शिरकत की। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक पर्यावरण नीतियों को नया आकार देने के उद्देश्य से ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव लॉन्च किया। साथ ही COP28 में ग्रीन क्रेडिट के आधिकारिक पोर्टल की भी शुरुआत की गई। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम जल संरक्षण या मिट्टी सुधार जैसे अन्य पर्यावरणीय कार्यों के लिए सुरक्षा तंत्र को दोहराने का प्रयास करता है। ये व्यक्तियों, समुदायों और निजी क्षेत्र द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को पुरस्कृत करने वाला एक अग्रणी बाजार आधारित तंत्र है। आपको बता दें कि इसी साल अक्टूबर में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए ही नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार के पर्यावरण सकारात्मक कार्यों के लिए बाजार आधारित प्रोत्साहन को बढ़ाना है। ये स्कीम सरकार के महत्वाकांक्षी पहल लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट या लाइफ आंदोलन के तहत शुरू की गई है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम द्वारा अपने शुरुआती चरणों में दो आवश्यक गतिविधियों को प्राथमिकता दी गई है। जल संरक्षण और वनीकरण ये दो प्राथमिकता क्षेत्र हैं। इस कार्यक्रम का प्रशासन भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद को सौंपा गया है। इसे प्रभावी कार्यान्वयन के लिए व्यापक दिशा निर्देश, प्रक्रियाएं विकसित करने का काम दिया गया है। इसके अलावा संस्थान द्वारा पंजीकरण प्रक्रिया, संबंधित माप तथा सत्यापन तंत्र की देखरेख करते हुए कार्यप्रणाली और मानक स्थापित करने का भी काम किया जाएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री बिशेश्वर टुडू ने भूजल से संबंधित चौंकाने वाले तथ्य साझा किए। इन आंकड़ों के मुताबिक 25 राज्यों के 230 जिलों के भूजल में आर्सेनिक पाया गया है। इसके साथ ही 27 राज्यों के 469 जिलों के अंडरग्राउंड वाटर में फ्लोराइड की मौजूदगी मिली है। इसके साथ ही CGWB यानी केंद्रीय भूजल बोर्ड ने 8 राज्यों में भूजल प्रदूषण के अध्ययन के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसमें पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और असम राज्य को शामिल किया गया है। हाल ही शोध में देश के विभिन्न हिस्सों में आर्सेनिक और फ्लोराइड संदूषण की घटना के संकेत मिले हैं जो कि ज्यादातर प्रकृति में भूगर्भिक हैं। इसका अर्थ यह है कि ये घटक पहले से ही चट्टान या मिट्टी के मैट्रिक्स में मौजूद हैं। साथ ही विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से भूजल में मिल गए हैं। इसके अलावा ग्राउंड वाटर ईयरबुक 2021-22 नामक रिपोर्ट के अनुसार देश के उथले भूजल में यूरेनियम की मौजूदगी मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में प्रत्येक 10 कुओं में से लगभग 3 यूरेनियम से दूषित हैं। इस मामले में पंजाब के बाद दूसरे स्थान पर हरियाणा है। वहीं भारत में भूजल की स्थिति की बात करें तो एक अध्ययन के अनुसार साल 2080 तक भूजल की कमी में 3 गुना तक इजाफा हो सकता है। यह अध्ययन अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। इसमें भूजल में कमी का मुख्य कारण सिंचाई को माना गया। हाल ही में दुबई में COP28 बैठक की शुरुआत हुई है। इस वर्ष COP28 की अध्यक्षता संयुक्त अरब अमीरात द्वारा की जा रही है। UNFCCC बैठक के पहले दिन ही LDF यानी लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना की गई। इस फंड की शुरुआत $475 मिलियन की राशि के साथ हुई है। LDF में कई विकसित देशों ने अपना योगदान दिया। इसमें सबसे बड़ा योगदान यूरोपीय संघ ने $275 मिलियन का दिया। साथ ही मेजबान देश संयुक्त अरब अमीरात ने
$100 मिलियन, अमेरिका ने $17.5 मिलियन और जापान ने $10 मिलियन सहयोग करने की बात कही है। आपको बता दें कि LDF की घोषणा पिछले साल मिस्र के शर्मल शेख में COP27 के दौरान की गई थी। इसका लक्ष्य वित्तीय सहायता द्वारा जलवायु परिवर्तन के व्यापक प्रभावों का सामना करने वाले देशों का बचाव और पुनर्वास करना है। इसमें क्षति का सामना कर रहे विकासशील देशों के लिए LDF एक राष्ट्रीय स्तर पर सीधी पहुंच शामिल है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुए गंभीर जलवायु बदलावों के कारण इस फंड की आवश्यकता महसूस की गई थी। एक शोध के अनुसार पिछले 20 वर्षों में 55 कमजोर देशों को जलवायु संकट के कारण संयुक्त रूप से $525 बिलियन का नुकसान हुआ है। ये संख्या वर्ष 2030 तक प्रतिवर्ष $580 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। गौरतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग ने दुनिया के जीवन के तरीके को बदल दिया है। इससे सबसे ज्यादा कमजोर वर्ग ही प्रभावित हुए हैं। आपको बता दें कि आधिकारिक तौर पर COP28 का मतलब UNFCCC में पार्टियों के सम्मेलन की 28वीं बैठक है। UNFCCC यानी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की स्थापना 21 मार्च 1994 में हुई थी। मौजूदा समय में 198 देश इस संगठन के सदस्य हैं। UNFCCC का उद्देश्य जलवायु प्रणाली में खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोकना है। हाल ही में कोप सम्मेलन में इतिहास में पहली बार 3 दिसंबर को स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। साथ ही जलवायु और स्वास्थ्य पर एक घोषणा पत्र भी जारी किया गया। भारत ने इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में शीतलन के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उपयोग को रोकने में व्यावहारिकता की कमी को इसका कारण बताया है। इस घोषणा पत्र में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में गहरी, तीव्र और निरंतर कटौती से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया गया है, जिसमें उचित बदलाव, कम वायु प्रदूषण, सक्रिय गतिशीलता और स्थायी स्वस्थ आहार में बदलाव शामिल है। इस घोषणा पत्र पर अब तक 124 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि अमेरिका और भारत ने इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इस घोषणा पत्र का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और वैश्विक स्वास्थ्य के बीच महत्वपूर्ण अंतर संबंध को संबोधित करना है। इसमें मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण, पारंपरिक औषधीय ज्ञान का संरक्षण, आजीविका और संस्कृतियों की सुरक्षा, जलवायु प्रेरित विस्थापन और प्रवासन से निपटने से संबंधित विचार को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि इसका उद्देश्य बदलती जलवायु से उत्पन्न विविध स्वास्थ्य चुनौतियों को समझने और कम करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। घोषणा के केंद्रीय उद्देश्यों में से एक देशों के भीतर असमानताओं से निपटने की प्रतिबद्धता है। भारत ने अपने G20 घोषणा पत्र में लचीली स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर दिया था। इसके लिए भारत ने 3 स्वास्थ्य प्राथमिकताओं का जिक्र किया था। इसमें लचीली स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का निर्माण करना, चिकित्सा संबंधी उपायों तक पहुंच में सुधार के लिए एक मंच बनाने और देशों के बीच डिजिटल सामान साझा करने के लिए एक मंच बनाने पर जोर दिया गया था। तो खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। इस बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, COP28 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, COP28 में पहली बार 3 दिसंबर को स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। दूसरा कथन, सम्मेलन में पहली बार जलवायु और स्वास्थ्य पर घोषणा पत्र जारी हुआ। और तीसरा कथन, अमेरिका और भारत ने इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। ऑप्शन से ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन या फिर डी कोई भी नहीं। अगला प्रश्न, चर्चा में रहे शब्द मिचोंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, ये एक चक्रवाती तूफान है जिसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई। और दूसरा कथन, चक्रवात मिचोंग का नामकरण थाईलैंड द्वारा किया गया है। आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, इसके द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन किया गया है। दूसरा कथन, विधेयक में तेलंगाना में सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित है। और तीसरा कथन, प्रस्तावित संस्थान का उद्देश्य उच्च शिक्षा तक आदिवासी समुदाय की पहुंच बढ़ाना है। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। ऑप्शन से ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन या फिर डी कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस एंड डैमेज फंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, COP28 में इस फंड की स्थापना की गई है जिसका आयोजन दुबई में किया जा रहा है। दूसरा कथन, इस फंड की शुरुआत $500 मिलियन की राशि के साथ हुई है। और तीसरा कथन, इस फंड को शुरू करने की घोषणा COP27 में हुई थी। उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन या फिर डी कोई भी नहीं। पांचवा और अंतिम प्रश्न,
सब नेपच्यून्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये आकाशगंगा में एक तारे की परिक्रमा करने वाले 6 ग्रह हैं। दूसरा कथन, ये सौरमंडल में मौजूद नेपच्यून के छोटे संस्करण हैं जो एक चक्रीय लय में घूम रहे हैं। और तीसरा कथन, इनका व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 1.9 से 2.9 गुना ज्यादा है। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या फिर डी कोई भी नहीं। तो सवाल के जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हाल ही में IMO यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के असेंबली चुनावों में भारत का दोबारा चयन किया गया है। भारत को 2024-25 की द्विवार्षिक अवधि के लिए चुना गया है। भारत का पुनः चुनाव ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और संयुक्त अरब अमीरात के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे बड़ी रुचि वाले 10 देशों की श्रेणी में आता है। परिषद द्वारा हर 2 साल में एक बार नियमित सत्र का आयोजन किया जाता है। इसमें कार्यक्रम को मंजूरी देने, बजट पर मतदान करने और संगठन की वित्तीय व्यवस्था निर्धारित करने से जुड़े फैसले लिए जाते हैं। आपको बता दें कि IMO समुद्री क्षेत्र की देखरेख करने वाली प्रमुख संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, परिवहन और सभी समुद्री गतिविधियों को रेखांकित करती है। हाल ही में सहकारिता मंत्रालय ने बहुराज्य सहकारी समितियां अधिनियम 2002 के तहत भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड या BBSSL की स्थापना की है। BBSSL फसल की पैदावार में सुधार और विकास के लिए सहकारी नेटवर्क के माध्यम से एकल ब्रांड के तहत गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन, खरीद और वितरण करेगा। इसके माध्यम से विदेशी प्राकृतिक बीजों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में काम किया जाएगा। BBSSL में 2 प्रकार की सदस्यता का प्रावधान किया गया है। इसमें साधारण सदस्य और नाममात्र या सहयोगी सदस्य शामिल हैं। साधारण सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति को सदस्यता प्राप्त नहीं होगी, बल्कि कोई बहुराज्य सहकारी समिति या सहकारी समिति, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और सरकार के स्वामित्व वाले निगम इसके हकदार होंगे। वहीं सहयोगी सदस्य के रूप में सदस्यता प्राप्त करने के लिए सहकारी समितियों को 1,00,000 रुपए का गैर वापसी शुल्क जमा करवाना होगा। हाल ही में इन स्पेस यानी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करके शहरी विकास और आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में काम करने वाले स्टार्टअप के लिए एक बीज निधि योजना का ऐलान किया है। सीड फंड योजना स्टार्टअप के साथ देश की अंतरिक्ष क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विशेष जोर देने के इन स्पेस के प्रयासों का एक हिस्सा है। इस योजना का उद्देश्य नवीन अंतरिक्ष उत्पादों और सेवाओं को विकसित करना है जिससे भारत और दुनिया भर में लोगों और समुदाय के जीवन की गुणवत्ता में सुधार संभव हो सके। इन स्पेस सीड फंड योजना में मेंटरशिप समर्थन, प्रशिक्षण और नेटवर्किंग अवसरों के अलावा 1 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान है। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय संग्रहालय अनुदान योजना के तहत नए संग्रहालयों का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही मौजूदा संग्रहालयों के विकास के लिए कदम उठाए जाएंगे। साथ ही ये योजना नए संग्रहालयों की स्थापना और मौजूदा संग्रहालयों में प्रौद्योगिकी उपयोग को भी प्रोत्साहित करने का काम करेगी। इसी कड़ी में संस्कृति मंत्रालय ने हैदराबाद मुक्ति आंदोलन की कहानी, राष्ट्रीय संग्रहालय के अन्य गहन अनुभवों को लोगों तक पहुंचाने के लिए हैदराबाद के सालार जंग संग्रहालय में एक वेब आधारित आभासी संग्रहालय की स्थापना की है। हाल ही में दिल्ली में इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का आयोजन किया गया। ये फोरम एक बहुहितधारक मंच है। इस पर इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीति के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न समूहों के प्रतिनिधि एक साथ आएंगे। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट गवर्नेंस फोरम से जुड़ी एक पहल है। इस आयोजन का मुख्य लक्ष्य भारत के लिए एक सुरक्षित, विश्वसनीय और लचीला साइबर स्पेस बनाना है। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 और राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण होमस्टे प्रतियोगिता 2024 की शुरुआत की। इसका उद्देश्य ग्रामीण पर्यटन के प्रचार और विकास को बल प्रदान करना है। इन प्रतियोगिताओं से सुदूर क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने, सांस्कृतिक प्रामाणिकता को संरक्षित करने और पर्यटन क्षेत्र में दीर्घकालिक और उत्तरदायी अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगी प्रभाव भी पैदा होगा। आपको बता दें कि बीते साल सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता के तहत पूरे भारत के 35 गांवों को स्वर्ण, रजत और कांस्य श्रेणियों में मान्यता प्रदान की गई थी। हाल ही में ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 न्यू रिस्क न्यू प्लेबुक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। ये रिपोर्ट S&P ग्लोबल रेटिंग्स द्वारा जारी की गई है। S&P के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की विकास दर 6.4% रहने की उम्मीद है जो पिछले वित्तीय वर्ष में 7.2% थी। वहीं रेटिंग एजेंसी ने कहा कि साल 2026-27 में भारत की ग्रोथ रेट 7% हो जाएगी। आपको बता दें कि मौजूदा समय में भारतीय अर्थव्यवस्था अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद 5वें स्थान पर है। हाल ही में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 रिपोर्ट साझा की गई।
की रिपोर्ट IDFC फाउंडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कर्नाटक लिमिटेड और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स का एक सहयोगात्मक प्रयास है। इस रिपोर्ट में भारत के शहरी परिदृश्य को आकार देने में डिजिटल प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी क्षमता पर प्रकाश डाला गया है। इसके साथ ही रिपोर्ट में सार्वजनिक निजी भागीदारी, शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिरता और शक्तिशाली वित्त पोषण उपकरणों के रूप में नगरपालिका बॉन्ड की प्रभावकारिता पर विशेष जोर देने की बात कही गई है। इसके अलावा फोकस क्षेत्रों में स्मार्ट शहरों की अवधारणा और प्रदर्शन रैंकिंग मानदंड के महत्व को भी शामिल किया गया था। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के हालिया शोध के अनुसार रिपोर्ट द ग्लोबल क्लाइमेट 2011 टू 2020 अ डिकेड ऑफ एक्सेलरेशन रिपोर्ट जारी की गई। इसके अनुसार साल 2011 से लेकर 2020 तक का दशक इतिहास में अब तक का सबसे गर्म दशक था। इसके साथ ही इस दौरान चरम मौसम और जलवायु परिवर्तन के कारण आर्थिक नुकसान में भी वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि आंकड़ों के अनुसार ये दशक चरम घटनाओं से सबसे कम मौतों वाला दशक था। इस कमी में एक बड़ा योगदान पूर्व चेतावनी प्रणालियों में सुधार का है, जो पूर्वानुमान में सुधार के साथ साथ बेहतर आपदा प्रबंधन से प्रेरित है। रिपोर्ट के अनुसार 2011-2020 का दशक 1950 के बाद पहला दशक था जब 10,000 या उससे अधिक मौतों वाली एक भी अल्पकालिक घटना नहीं हुई। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि ये पहला दशक था जिसमें ओजोन होल में भी सुधार दिखाई दिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किए गए आदित्य L1 मिशन ने कई अहम जानकारी साझा की है। आदित्य L1 पर लगे स्पेक्ट्रोमीटर ने अपनी पहली अवलोकन अवधि के दौरान सौर ज्वालाओं के आवेगपूर्ण चरण को रिकॉर्ड किया। इस दौरान प्रोटॉन और अल्फा कण गणना में ऊर्जा भिन्नता को दर्ज किया गया। साथ ही आदित्य L1 अंतरिक्षयान से जुड़े एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर ने सोलर फ्लेयर्स की पहली उच्च ऊर्जा एक्सरे झलक भी पकड़ी। आपको बता दें कि सौर वातावरण का अचानक चमकना सोलर फ्लेयर्स कहलाता है। ये फ्लेयर्स विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में रेडियो, ऑप्टिकल, UV, सॉफ्ट एक्सरे, हार्ड एक्सरे और गामा रे का उत्पादन करते हैं। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।